हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रियंका रेसिपी में स्वागत है। आज हम बिस्किट का केक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए हम लोग अपना वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट का केक बनाने के लिए बिस्किट चाहिए, जो आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। चीनी चाहिए, उसके बाद टूटी फूटी चाहिए, मीठा सोडा चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, उसके बाद तेल चाहिए। बिस्किट का केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बिस्किट को अच्छे से तोड़ लेते हैं, फाड़ के तोड़ लेते हैं। अच्छे से तोड़ लीजिए इसे। देखिए, पूरा बिस्कुट को हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। अब इसे मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। पिसा गया है, अब इसे किसी एक बर्तन में डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक गिलास दूध लेंगे रूम टेम्परेचर के हिसाब से। इसमें दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर इसे मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। इसे फेंटते रहिए लगातार। अब इसमें चीनी डाल दीजिए, आपको जितना मीठा चाहिए आप अपने मीठे अनुसार डालिए। इस क्योंकि क्रीम वाले बिस्कुट में पहले से ही बिस्किट में पहले से ही मीठा रहता है, हल्का सा चीनी रहता है। क्रीम वाले बिस्किट रहता है हल्का सा, अपने अनुसार मीठा डालिए। इसे लगातार फेंटते रहे। फिर इसमें तेल डाल दें, तेल डाल के इसे लगातार फेंटते रहें। देखिए फिर चुका है, इसे आधा घंटा के लिए अब छोड़ दीजिए सेट होने। देखिए आधा घंटा हो चुका है, ये सेट हो गया है। अभी से 5 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। पांच मिनट फेंटने के बाद इसमें हम मीठा सोडा डाल देंगे 2 पिंच। उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें और अच्छे से फेंटते हैं इसको डाल के। इसमें टूटी फूटी डाल दीजिए थोड़ा सा, इसे भी अच्छे से फेंट दीजिए। इसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दीजिए इसमें और अच्छे से फेंट लीजिए इसको। देखिए अच्छे से फेंट चुका है, ये पतला नहीं होना चाहिए इसका बैटर। इसके बाद केक टिन ले लेंगे हम, केक टिन ले लेंगे। उसके बाद इसमें तेल लगा लेंगे अच्छे से नीचे तरफ। इसके बाद इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे।
अच्छे से बटर पेपर लगा लो, जिसे लगाने के बाद इसमें भी तेल लगा दीजिए थोड़ा सा, और ऊपर में भी तेल लगा दीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा टूटी फूटी डाल दीजिए नीचे। इसके बाद बैटर को डाल दीजिए इसमें। इसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा भी अच्छा लग गया होगा तो। इसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए इसमें, अच्छे से सजा दीजिए। इसके बाद इसमें टूटी फूटी डाल दीजिए। इसके बाद गैस पे कढ़ाई रख दीजिए गरम होने के लिए। इसमें नमक डाल देंगे, नीचे फैला देंगे अच्छी तरह से चारों तरफ। ये नमक पहले से यूज किया हुआ है। और इसे 5 मिनट के लिए गर्म होने तक ढक देंगे। इसे 5 मिनट तक गर्म होने के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो चुका, गर्म हो चुका है। इसमें अब एक स्टैंड रख देंगे, उसके बाद केटिंग को रख देंगे, उसके बाद इसे ढक देते हैं, आधा घंटा तक पकने देते हैं। आंच को स्लो करके और इसे ढक देंगे। इसे 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, इसे देख लेते हैं, पक चुका है केक, पक चुका है। चम्मच डाल के इस पे देख लीजिए, थोड़ा भी नहीं लग रहा है तो केक हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो 5 मिनट और ढक के पका सकते हैं आप इसे। अब बंद कर दीजिए, ठंडे होने दीजिए। ठंडा हो चुका है। एक थाली लेंगे, इसके नीचे डालेंगे, इसे उलट देंगे करके और ठोक देंगे। देखिए हो चुका है, बटर पेपर को हम निकाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा बादाम से डेकोरेट कर देंगे। अच्छे से इसे डेकोरेट कर लीजिए। देखिए स्पंजी सा केक बन के तैयार हो गया है। अब इसमें टूटी फूटी डाल देंगे थोड़ा, अच्छे से इसे डेकोरेट कर लेंगे। देखिए स्पंजी सा केक बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।